हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर से अपर सर्किट लग गया आज काफ़ी दिनों के बाद, और सब में फिर से एक पॉजिटिविटी आ चुकी होगी ब्रैडकॉम ग्रुप के अपर सर्किट से, जो कि लगातार लोअर सर्किट में जा रहा था। आज भी वो गया था 35 रुपीज़ तक, बट वहाँ से रिवर्स मारकर अपर सर्किट में जाके पहुँच गया 38 रुपीज़ 35 पैसे पर। इसके सिक्स रीजन्स है जिसके कारण आज अपर सर्किट लगा ब्रैडकॉम ग्रुप में, उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं वॉल्यूम कैसा रहा। तो एनएससी पर अराउंड 1 करोड़ 93 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, और बीएससी पे अराउंड 20 लाख शेयर्स, और एनएससी पर पेंडिंग ऑर्डर थे, मार्केट चल रहा था जब 62 लाख शेयर्स की, जो कि स्ट्रांग पेंडिंग ऑर्डर थी, और बीएससी पर भी 8 लाख शेयर्स की पेंडिंग ऑर्डर थी, जो कि काफ़ी अच्छा पेंडिंग ऑर्डर था। दोनों मिला के 70 लाख शेयर्स का पेंडिंग ऑर्डर था ब्रैडकॉम ग्रुप में, जो कि काफ़ी अच्छा पेंडिंग ऑर्डर है। और अगर आप देखोगे तो आज लास्ट डील भी काफ़ी हुई। आज 3 लाख 10 शेयर्स, 13 लाख 53 थाउजेंड शेयर्स, 4 लाख 76 थाउजेंड शेयर्स, 4 लाख 74 थाउजेंड शेयर्स, 2 लाख 92 थाउजेंड शेयर्स, 2 लाख 37 थाउजेंड शेयर्स एंड 3 लाख 31 थाउजेंड शेयर्स, और ऐसी काफ़ी लास्ट डील्स हुई है आज ब्रैडकॉम ग्रुप में, वो भी पॉजिटिव बात है। अब बात करेंगे कि ऐसा क्या हो गया किसी की ब्रैडकॉम ग्रुप लोअर सर्किट से अपर सर्किट में चला गया। पहली बात तो देखिए कि काफ़ी अंडर वैल्यू हो चुका था ये शेयर, और अंडर वैल्यू होने के कारण भी इसमें अभी फिर से बाइंग आ गई, ये पहला रीज़न है। दूसरी बात है, सबसे बड़ा अपडेट जो ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ से आया आज, कि इन्होंने जनरल मैनेजर अपॉइंट किया है मिस्टर श्रीधर रेड्डी को, जो कि ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं 1998 से, तो काफ़ी सालों से ये ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, और उनको इंडियन ऑपरेशंस का जनरल मैनेजर अपॉइंट किया गया है। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड प्रोजेक्ट मैनेजर भी रह चुके हैं ब्रैडकॉम ग्रुप में, और उनका कंट्रीब्यूशन यूएसए और इंडियन ऑपरेशंस में काफ़ी स्ट्रांग रहा है इतने सालों का एसोसिएशन होने के कारण। तो ये न्यूज़ के कारण भी एक पॉजिटिविटी आ गई कि ब्रैडकॉम ग्रुप कुछ ना कुछ कर रहा है इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से कोई नोटिफिकेशन नहीं था, तो सबके मन में डर था कि चल क्या रहा है कंपनी में, तो ये नया नोटिफिकेशन आ गया, उसके लिए भी पॉजिटिविटी आई। अगला रीज़न ये भी है कि Q1 का रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है सबको, तो प्री Q1 रिजल्ट की भी बाइंग चल रही है, क्योंकि सबको मालूम है कि रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तो शेयर हाथ में आएगा नहीं, वो होप के कारण भी, क्योंकि अपर सर्किट में लगातार चलेगा फिर से, वो होप के कारण भी Q1 का होप जो रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है उसके कारण भी इसमें बाइंग हुई। तीसरा रीज़न ये है कि ट्रेड डेस्क, जो कि सेम बिजनेस है ब्रैडकॉम ग्रुप जैसा एडटेक का, यूएसए में की कंपनी है ट्रेड डेस्क, उसका रिजल्ट अच्छा आया था, तो उसका जैसा रिजल्ट आ सकता है ब्रैडकॉम ग्रुप का, ये होप के कारण भी इसमें आज तेजी देखने को मिली। दूसरी बात, आज आईटी इंडेक्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, इंडियन आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.80% अप था, तो उसका भी सपोर्ट कहीं ना कहीं ब्रैडकॉम ग्रुप में मिला, क्योंकि एक अच्छा उछाल देखने को मिला आईटी सेक्टर में, तो उसका बेनिफिट भी ब्रैडकॉम ग्रुप को मिला, जो कि लोअर में चल रहा था पर बाद में अपर सर्किट में क्लोज हो गया। नेक्स्ट रीज़न है कि नैसडैक यूएसए का आईटी और टेक्नोलॉजी का जो इंडेक्स है वो भी कल 2.85% अप था, बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला नैसडैक में, तो उसके कारण भी ब्रैडकॉम ग्रुप रिवर्स मार के ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया। तो ये इतने सारे रीज़न है। अगला रीज़न ये है कि शंकर जी शर्मा ने कहा है कि वो एडटेक इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट देखते हैं, और उन्हें कोई लगता नहीं है कि फॉरेंसिक ऑडिट में कोई बड़ा प्रॉब्लम आएगा बिसाइड्स असेट इंपेयरमेंट, जो कि कोई बड़ा इशू नहीं है कंपनी के हिसाब से। तो ये सब रीजंस होने के कारण ब्रैडकॉम ग्रुप में हमें ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली आज, और रिवर्स मार गया। सो लेट्स होप कि ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर जल्दी हमें 60 रुपीज़ तक पहुँचे, ऐसा हम आशा करते हैं। और Q1 का रिजल्ट अगर शानदार आया तो फिर तो शेयर का नॉनस्टॉप अपर सर्किट का दौर शुरू रहेगा। आपको क्या लगता है, फिर से 30 रुपीज़ जाएगा या 60 रुपीज़ जाएगा शॉर्ट टर्म में, कमेंट करके बताना, और क्वार्टर रिजल्ट कैसा आएगा इसका उसके बारे में भी बताना। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स आज आ गए, जिसके कारण ब्रैडकॉम ग्रुप में हमें अपर सर्किट देखने को मिला। सो लेट्स, कल भी अपर सर्किट लगने का 100% चांसेस है, कल भी अपर सर्किट लग सकता है, क्योंकि इसका रिजल्ट 13 अगस्त को डिक्लेयर होने वाला है सैटरडे को, और कल का एक ही वर्किंग डे है इसका मार्केट का, तो उसके पहले कल भी बाइंग के लिए इसमें लाइन लगी रहेगी, तो कल भी 99% अपर सर्किट लगने के चांसेस है। आपको क्या लगता है इसके बारे में भी कमेंट करके बताना, एंड लेट्स होप Q1 का रिजल्ट अच्छा है, तो उसके बाद में मंडे को भी अपर सर्किट में ही चलता रहे नॉन स्टॉप। थैंक यू फ्रेंड्स। मंडे नहीं, मतलब मंडे का तो हॉलीडे है, ट्यूजडे को। थैंक यू फ्रेंड्स।